बसमरिम अल्लाम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद सहर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोडायवर्सिटी।

बायो डायवर्सिटी इज़ अ मैयर ऑफ दि वायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रजेंट इन डिफरेंट इको सिस्टम यानी कि जो अर्थ के ऊपर डिफरेंट इको सिस्टम्स में एक वराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रजेंट है उसको क्या नाम दिया गया है बायो डायवर्सिटी अब डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को क्या कहा जाता है फ्लोरा और डायवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड फाना The diversity of plants and animals in a region depends on climate, altitude, soils, and the presence of other species. यानी कि अगर एक रीजन के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है क्लाइमेट यानी कि मौसम के ऊपर एल्टीट्यूड यानी कि सतह समुंदर से उस रीजन की बुलंदी कितनी है सॉइल वहाँ की मट्टी कैसी है रेत कैसी है एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ और उधर कौन कौन सी दूसरी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं डाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिड इवनली ऑन अर्थ यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो अर्थ पे बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई इट इज़ रिचेस्ड इन ट्रॉपिक्स यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स है रीजन्र्थ के ऊपर ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ट्रॉपिकल रीजन्स वो हैं जहाँ पे समर बहुत ज़्यादा होते हैं यानी कि वार्म एरियाज हैं वहाँ पे जो है विंटर नहीं प्रेजेंट और सन लाइट के एक्सपोयर की वजह से ज़्यादातर वहाँ पे क्या होता है ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है अब नेक्स्ट है टेम्परेट रीजन्स आल्सो हैव मैनी स्पीशीज़ वाइल्ड देयर आर फ्यूअर स्पीशीज इन दी पोलर अब नेक्स्ट है टेम्परेट रीजन्स यहाँ पे भी बहुत सारी स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं टेम्परेट रीजन्स वो regions हैं जहाँ पे मौसम ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है मॉडरेट टेम्परेचर होता है वैल्ड देर आर फ्यूर स्पीशीज़ इन दी पोलर रीजन्स मीन अब ये पोलर रीजन्स कौन से हैं ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर विंटर्स होते हैं यानी कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है ब्लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो आइस केव प्रजेंट हैं ग्लेशियर्स वग़ैरह ये नॉर्थ पोल रीजन साउथ पोल रीजनस वग़ैरह इसमें प्रजेंट हैं बायो फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिज़ल्ट ऑफ़ फोर बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन यानी कि आज अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है वो किसका नतीजा है तकरीबन चार फोर बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन एवोल्यूशन कहते हैं चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो चेंजेस वग़ैरह आए हैं वो आज के बायोडाइवर्सिटी का सबब बने हैं द ओरिजन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नाउन टू साइंस थो लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट दैट अंडल सिक्स हंड्रेड मिलियन ईयरस अगो आल लाइफ कंसिडर्ड बैक्टीरिया एंड सीमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि साइंस को अभी तक ओरिजिन ऑफ लाइफ का सही तरह से पता नहीं चल सका लेकिन कुछ एविडेंस जो उनके पास मौजूद हैं उनसे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि तकरीबन छः सौ मिलियन साल पहले तमाम लाइफ जो एग्जिस्ट करती थी अर्थ में वो क्या थी बैक्टीरिया और उसी तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गनिज्म वो होते हैं जो कि सिंगल सेल ओनली सेल पर मुश्तमिल होते हैं अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बायो डाइवर्सिटी बायो प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस यानी कि ह्यूमंस के लिए फूड भी बायोडावर्सटी प्रोवाइड करती है यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह प्रेजेंट हैं ह्यूमंस इनको एज अ फूड भी यूज़ करते हैं अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्राम बायोलॉजिकल सोर्स अब इन बायोलॉजिकल सोर्स से जो बायोडाइवर्सटी प्रजेंट हैं उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ड्रग्स भी हासिल कर सकते हैं ड्रग्स में अद्वियात वगैरह आ जाती हैं अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स डाइज रेसेंस, गम्स एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल्स आर ड्राइव डायरेक्टली फ्राम प्लांट्स। यानी कि आ, इसके अलावा बायोडाइवर्सटी से हमें इंडस्ट्रियल मटेरियल भी हासिल होता है यानी कि प्लांट्स वग़ैरह से जो एडहीसिवस वग़ैरह निकलते हैं गर्म्स रेजें वगैरह यानी कि ये या जो स्टिकी मटेरियल्स है और बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी कि जो हमें लकड़ी हासिल होती है और इस और इसके अलावा जो दूसरे डाइस वगैरह हैं वो भी हमें किस आ, किस वजह से हासिल हो रहे हैं बायो की वजह से बायोडाइवर्सिटी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग एको सिस्टम यानी कि अब जो है वो एको सिस्टम को भी मेंटेन करने में भी अहम किरदार अदा करती है फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्लांट हैं वो हमें क्या सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं इसके अलावा क्लीन एयर सप्लाई करते हैं जिसकी वजह से एकोसस्टम मेनटेन रहता है इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉसफेयर एंड वाटर सप्लाई इसके अलावा ये एटमासफेयर की केमिस्ट्री को भी रेगुलेट करने में एक अहम किरदार अदा करती है फॉर एग्ज़ाम्पल बायोडावर्सिटी जो है कार्बन साइकिल को मेंटेन करती है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन की जो अमाउंट है वो मेंटेन रहती है बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रेंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो न्यूट्रेंट्स को रिसाइकल करने में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो किस तरह से क्योंकि जो सॉइल के अंदर माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं जो ऑर्गेन जो डेड प्लांट्स वग़ैरह हैं उनको डीकम्पोज कर देते हैं और उनको न्यूट्रेंट्स में चेंज करके सॉइल में ही रख देते हैं जिसकी वजह से सॉइल फर्टाइल हो जाती है मज़ीद जरहेज़ हो जाती है न्यूट क्योंकि उसमें न्यूट्रेंट प्रेजेंट होते हैं तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया डेफिनेशन पढ़ी इसके अलावा डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स डायवर्सिटी ऑफ एनिमल्स को क्या कहते हैं इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ा इसके अलावा किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है प्लांट्स और एनिमल की डाइवर्सिटी और इसके अलावा साइंटिस्ट का क्या नज़रिया था कि डाइवर्सिटी कैसे पहले क्या थी हज़ारों साल पहले और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ बायो डाइवर्सिटी को भी हमने डिस्कस किया अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज़